किस आधार पर तय किया? छोटे निवेशक का नाम लेकर के, ये पॉपुलिस्ट मेजर था इनका। और ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि इनका जो जन जन सेवा केंद्र है उसमें लोग पैसे बना रहे हैं, जनसेवा में तो फ्री में होना चाहिए था। अगर सरकार के तरफ से ये स्टैंडिंग ऑर्डर जाता है कि साहब जो अपने से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं उनको हम फ्री में जनसेवा केंद्र वाले जो सहारा के निवेशक हैं वो ऑलरेडी खुद परेशान है, चाहे उनके 100 रुपया भी उनको देना पड़ रहा है वो भी महंगा है, और जहां तो आप सह कह के 15,000 रुपए लूट लिए लोगों ने, तो सवाल ये है कि आप सरकार के तरफ से स्टैंडिंग ऑर्डर देना चाहिए था कि जो सहारा के निवेशक खुद से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं पेपर, उनका डिफिशियंसी करके रिजेक्ट कर रहा है और उनको जनसेवा केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है, तो जनसेवा केंद्र वाले उनसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे और उनका पेपर अपलोड करेंगे। एक दूसरी बात, यही बात मैं आज जानने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अंदर तक तह तक जाऊंगा तभी तो फैसला आएगा जनता की अदालत में। बहुत अच्छी बात आपने नौशाद भाई कही। दूसरी बात कि भाई सरकार 10,000 रुपया कैसे तय कर लिया और किसने सलाह दिया ये 10,000 करने वाला? हां, एक आधार हो सकता है कि अगर 10,000 रुपए के निवेशकों की संख्या, जैसे अभी मोदी जी कह रहे थे कि 10 करोड़ है, अगर ये है तब तो अलग बात है, लेकिन मेरे पास तो जितने आंकड़े आ रहे हैं सब में लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1-1 करोड़ तक के आ रहे हैं लोग लिख रहे हैं। मेरा 15 लाख है, मेरा 20 लाख है, मेरा 13 लाख है, वो देखिए एक लिख रहे हैं सारा हमारा 13,50,000। तो मैं बीच में बोलना चाहता हूँ आशीष सर, आशीष कालरा कुछ बोलना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए मोदी जी। आशीष जी बोलिए, आशीष जी, हाँ बोलिए। यस 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 आशीष जी, ये पहली बार ज्वाइन करें, बोलिए। मैं सर दिल्ली से हूँ सर। हाँ जी नमस्कार। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आपने बहुत बातें सुन ली, पुरानी नई सब कुछ सुन लिया, ये रिपीट टू रिपीट होती जा रही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा इनकी पूरी जन्म कुंडली। सबसे पहली चीज, सुब्रतो राय जब जेल में था तो पवन कपूर जो HCL का इनका जो डायरेक्टर था बैंक का, वो और इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र वाशनी, जो ये दुखती रग है, अगर आपने जितेंद्र वाशनी या पवन कपूर का नाम भी ले दिया तो पूरा सारा ग्रुप हिल जाता था। इन दोनों ने मिलकर सोसाइटी लॉन्च करी थी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले जो सारी बनाई थी, जिसमें इन्होंने 20% इंटरेस्ट दिया था एक साल का और 10% इंटरेस्ट दिया था 6 महीने का। ये सोसाइटी इन्होंने लॉन्च करी। पवन कपूर एक बहुत बड़ा किंग जिसको कहते हैं, जिसकी एक NGO है प्रेम विनोद फाउंडेशन। ये 30 जनवरी को आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे कि जब मैं अथीना लीगल लाजपत नगर गया था ओपी श्रीवास्तव के ऑफिस के, ओपी श्रीवास्तव के बेटे रजत प्रकाश के ऑफिस के, वहां पर एक हरजत ज्वेलर का अलग सिंह की बीवी ने एक MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक वो खोल रखा था डिपार्टमेंट, तो हमने कहा था कि हम यहां से गोल्ड लेंगे और मैं जो है सारा काम वाया मेल के थ्रू में कर रहा था। सोसाइटी लॉन्च करने वाला पवन कपूर जितेंद्र वाशनी था, उसमें ओपी साहब सिस्टम नहीं थे, वो हाउसिंग देख रहे थे। अब आज ये डाटा पे इनके पास 2 सर्वर है, अगर ये चीज हमें उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में पता होती, बस हम गलती से गलती भी ना करते, SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के यहां जब इनके रेड होती थी तो इनके यहां 2 सर्वर है। एक सर्वर जो ये एक शुरू से अगर आप RTI भी लगाएंगे तो वो RTI आपके सर्वर के हिसाब से आपको बता देगा जी इतने इन्वेस्टर इनके पास है। बेसिकली इनके इन्वेस्टर ज्यादा थे पिछले 5 साल से या 4 साल से, जब से ये थोड़ा बवाल ज्यादा हो गया था, इन्होंने वो मेंबरशिप अपलोड नहीं करी, जिसका अंजाम आज अब इनको भुगतना पड़ रहा है। क्यों? बिल्कुल सही बात। सर्वर के अंदर अगर आपके मेंबरशिप नहीं होंगे तो नेचुरली आपका डाटा तो वही उठाएगा ना जी, पिछले 5 साल का वो तो उठाएगा नहीं करंट। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कहानी फंस जाएगी, ठीक है। अब हुआ ये है कि अब ये चाकर भी किसी को रोक नहीं पाते। जब TDS लेने की बारी आती थी तब ये कोई लेटर नहीं इशू करते थे, तब ये जो जितने इनके जो बड़े बड़े जो एजेंट्स थे, जो प्रिंसिपल वर्कर, उनके थ्रू ये बड़ा एक इमोशनली मैसेज देते थे, आप रिटर्न फाइल मत कीजिए, हम आपको TDS दे देंगे, हम आपको इसकी FD दे देंगे। अब मुद्दा यहां पर ये फंस गया था कि अब ये करें तो क्या करें, इनको आइडिया नहीं था। सर ये जो पेमेंट है ये 1.5 लाख करोड़ की है। पवन कपूर जितेंद्र वाशनी इनके मेन 2 कल्प्रिट थे। प्रेम विनोद फाउंडेशन से पैसा आता था दिल्ली लाजपत नगर अथीना लीगल L37 जहां पर मैं गया था 30 जनवरी की वीडियो, अभिदेव शुक्ला जी भी यहीं पर, उनको भी पता है।
वहां पर हरजय ज्वेलर के नाम से मैंने इनको जब कहा था, जब मैं मेल के थ्रू करके गया था, मैंने 50 डिपार्टमेंट को मेल किया था जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी था। हमने ये बोला कि हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर गोल्ड खरीदेंगे और उसके भी आपके ऊपर सर्टिफिकेट दे देंगे। आज वो थीना लीगल का ऑफिस वहां से बंद हो चुका है, जो मेरे को पता लगी है बात। रजत प्रकाश अब वहां नहीं आता। इन्होंने हर चीज को हल्के में लिया। आपको पता है नोटबंदी वाले दिन, जिसके मैंने आरटीआई लगाई है, नोटबंदी वाले दिन इन्होंने 300 होंडा अमेज कारें अपने आर्म के लिए और 6 मर्सिडीज कारें इन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए नोटबंदी वाले दिन इन्होंने परचेज करी। इन्होंने जैसे ही ये नोटिस दिया, ये 5-5 लाख से ऊपर की पेमेंट का, मैंने एक आरटीआई लगा दी है, मैंने लगाई तो खैर 25-30 है, और मैंने उसके अंदर एक मेल डाला। मैं कहा जी पहले तो आप ये बताएं कि सीआरसी इनकम टैक्स को इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि हमने 300 कारें खरीदी हैं। नितिन गोयल जो आपका इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर है, उसका लेटर आ गया हमारे पास, वो इंक्वायरी चल रही है। दिल्ली के अंदर 125 करोड़ के चेक बाउंस हुए हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से। कितनी पेनल्टी दी है अभी वो आटे से पता लगेगा। क्या वो चेक रीइशू हुए? वो नहीं हुए। तो इसके अंदर इतना झोल जाल हुआ इन्होंने, इन्होंने सर्वर 2 बना के चल रहे हैं कि अगर आप जैसे आप करते हैं तो वो सर्वर की रिपोर्ट वो देते हैं। बेसिक सर्वर इनका पीछे था जो इन्होंने छुपा रखा था, अब गया ये फंस, अब ये चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रहे। तो ये कहानियां इतनी डीपली है, इतनी डीपली है कि अब एसबी सिंह है, एसबी सिंह का पेट्रोल पंप है, ये पता है सीतापुर रोड पे उसका पेट्रोल पंप है। अरे कहां से आ रहे हैं पेट्रोल पंप? हरजय ज्वेलर खुला हुआ शोरूम, कहां से आ रहा है? आप जो इनकम टैक्स के नोटिस दे रहे हैं, अब आप देके दिखाएं ना किसी को इनकम टैक्स नोटिस। पहले तो मुझे हरजय ज्वेलर का, जो मैंने एक और आरटीआई लगाई है, हरजय ज्वेलर की बाइसेप जरा जीएसटी कलेक्शन दिखा दो मेरे को। प्रोपेक कंपनी, अगर आप एमसीए में सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, प्रोपेक